मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेलकम इन राज एजुकेशन चैनल। आज हम देखेंगे पेंटागोनल पिरामिड, रेगुलर पेंटागोनल पिरामिड कैसे ड्रा करते ये हम देखेंगे। तो एग्जाम में ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है कि ड्रा द रेगुलर पेंटागोनल पिरामिड हैविंग इट्स साइड इज 40 mm एंड इट्स हाइट इज 80 mm। तब कैसे ड्रा करना है, दो मेथड से आप ड्रा कर सकते हैं। एक इंस्क्राइब जो सर्कल, ये पेंटागॉन हमने पहले ही एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको इस तरीके से बना के दिया था। एक पहले सर्कल ड्रा करना, फिर सर्कल ड्रा करने के बाद ये क्यू आर और ये भी जो लाइन रहेंगी, इसमें जो सेंटर लाइन रहेंगी उसमें किसी भी एक भाग को, जैसे कि ओ आर में मैंने एक मिड पॉइंट ड्रा किया, ओ से एक आर्क मारा, फिर आर से भी आर्क मारा, यहाँ पे आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेके हमने ये दो आर्क मारे आर से ऊपर और नीचे, वैसे ओ से मारा है और बाद में आपको ये मिड पॉइंट मिला ओ आर लाइन के ऊपर, एम पॉइंट दिया नाम, फिर एम से एक सेंटर मान के ये पॉइंट से हमने आर्क मारा और ओ आर क्यू आर लाइन पे मारा, एस पॉइंट मिला, फिर ये से आपने एस का डिस्टेंस लेके एक आर्क मारते गए और आपको पांचों पॉइंट मिले। इस प्रकार से हमने बताया था, ये इंस्क्राइब द सर्कल वाली मेथड का आपने पेंटागन बनाया। दूसरी एक मेथड है कि जहां पे हम जो प्रोटेक्टर है उसका यूज करके ये बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पता होना जरूरी है कि एंगल कितना आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो टोटल एंगल रहेंगे वो एंगल किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में एंगल इनसाइड दो एंगल जो रहता है 360 डिग्री रहता है, तो आप 360 डिवाइडेड बाय ये 5 करेंगे, 5 एंगल है पेंटागन में, 5 इक्वल साइड्स और 5 इक्वल एंगल होते हैं, तो 360 डिवाइडेड बाय 5 किए तो आपका एंगल बनेगा 72 डिग्री। लेकिन ये एक्सटर्नल एंगल होता है, जैसे कि इस फिगर में मैं एक्सटर्नल एंगल यहाँ पे शो करके बताता हूँ कि कैसे फिगर बताए, ये भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये जो एंगल रहेगा ये रहेगा आपका 72 डिग्री एंगल रहेगा, ये रहेगा आपका एंगल 72 डिग्री। इसे हम एक्सटर्नल एंगल, ये जो एंगल है ये आपका 72 डिग्री आएगा, और जो इंटरनल एंगल है ये एंगल आपका बन जाएगा 108 डिग्री। तो ये ध्यान में रखना है, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल। तो आप जो साइड बताइए पेंटागन की साइड, वो पेंटागन की साइड 40 mm है, तो 40 mm की हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचा, बाद में इस प्रोटेक्टर को ऐसे पकड़ के आपने एंगल मार्क किया। एक्सटर्नल से मैं करता हूं तो 72 डिग्री आती है, और इधर से मतलब इंटरनल करता हूं तो 108 डिग्री। इसी प्रकार से सी पॉइंट से भी मार्क किया 72 डिग्री पे, और वो जो मार्क किया उस पॉइंट पे आपने 40 की लाइन खींची, इधर भी 40 mm की लाइन, इधर भी 40 mm की लाइन। फिर आपको अगेन इसी तरीके से आप ऐसे पकड़ के यहां से भी एक्सटर्नल 72 और इंटरनल 108 डिग्री खींच सकते हैं, मार्क करेंगे तो ये आपको इस साइड से भी एक मार्क करेंगे तो ये दोनों लाइन मिलेंगी, या फिर आप कंपास का यूज करके जो 40 mm की बाजू है उसे पकड़ के आप यहां से आर्क मारोगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, यहां पे ऐसे मारते तो ये पॉइंट मिलता है, और इस प्रकार से हम ये पेंटागन बनाते हैं। पेंटागन बनाने के बाद इसे हम नाम देंगे ए बी सी डी, इस प्रकार से नाम दिए, आपको जैसे भी लगता है ए बी सी डी ऐसे कर सकते हैं, या जैसे भी नाम करें आपको उस समय जैसे लगे वैसे नाम दे सकते हैं। फिर इंस्क्राइब सर्कल वितरण में आपको सेंटर पहले से ही मिल चुका है, लेकिन ऐसे फिगर में आपके पास सेंटर नहीं है, तो सेंटर
मिलाने का मैं एक आसान तरीका आपको बताता हूँ कि इस तरीके से आप पकड़ेंगे ये सबको लाइन में, आपको रेफरेंस लाइन के हिसाब से बनाता हूँ तो इसे पेन का नाम तार करूँगी, ये प्रोटेक्टर इस तरीके से पकड़ेंगे, ये से स्क्वायर पोर्टिबिलिटी का ये लाइन मैच करूँगे और यहाँ से आप लाइन खींचोगे तो मिड पॉइंट मिल जाएंगे लाइन सी डी की। वैसे ही कोई भी दो पॉइंट अब इस तरीके से इधर पकड़ेंगे तो ये लाइन मिल जाती है, या इसे अगेन आप प्रोजेक्शन वर्क जो भी है तो इसे भी डार्क करके आप मतलब लाइन खींचेंगे ताकि आपको आसानी होगी, और यहाँ पे इस तरीके से पकड़ेंगे और पॉइंट बी से मैं यहाँ पर लाइन खींचता हूँ। इस प्रकार से पकड़ना कि लाइन 90 डिग्री मैच कर दिया और यहाँ पे लाइन आएंगी। तो दो कोई भी पॉइंट खींचे तो आपको एक सेंटर मिल गया, बहुत ही आसान तरीके से, ये सेंटर कोई जरूरत नहीं इसका, मतलब टू पे पॉइंट पार करो ऐसा भी कर सकते हैं, बहुत आसान जो जो आपको तरीका ढूंढे उसमें आपको मिल जाएगा। अब सी पॉइंट के ऊपर से मैं इसके ऊपर भी मिड पॉइंट मार्क कर सकता हूँ तो यही से जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ से करूँगे तो इस तरीके आएगा, इसलिए आपका सेंटर मिलेगा। अब सेंटर निकालने के लिए आपको कोई भी दो लाइन की जरूरत है, सेंटर मिल गया। अब सेंटर मिल गया, पेंटागन में जब भी हाइट आप काउंट करोगे तो हाइट जनरली ये सेंटर से ली जाती है, तो सेंटर से आपको लाइन ड्रा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सेंटर लाइन ड्रा करता हूँ। अब ये सेंटर लाइन ड्रा करते समय आपको ये सेंटर लाइन जो रहेंगी ये डॉटेड लाइन के हिसाब से आप ड्रा करोगे, ये भी हमारा सेंट्रल एक्सिस होता है, ये सेंट्रल एक्सिस हम इसे कहते हैं। अब ये जो सेंट्रल एक्सिस जो बोलेगा ये बेस, यहां पर मैं मार्क करके रखता हूं डायमेंशन देने के लिए। अब यहां पे 80 mm की हाइट थी पेंटागोनल पिरामिड की, तो 80 mm के ऊपर मैं मार्क करके रखता हूं। अब ये जो पॉइंट मार्क किया ये एपिक्स पॉइंट होता है, मैं इसे पी नाम देता हूं, ये पी ये पॉइंट है मेरा एपिक्स पॉइंट, इसे हम एपिक्स पॉइंट कहते हैं, एपिक्स बोलते हैं। एपिक्स पॉइंट किसे कहते हैं, तो एपिक्स इज द एक्सट्रीम पॉइंट ऑन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द पिरामिड, किसी भी फिगर का जो सेंट्रल एक्सिस रहता है उसके ऊपर जो एक्सट्रीम पॉइंट रहेगा और वहां पे उसके वर्टाइसिस पॉइंट जुड़े रहेंगे, इसे कहते हैं एपिक्स पॉइंट। अब ये जो एपिक्स पॉइंट को आप जोड़ोगे तब ध्यान में रखना, अभी यहां से इस फिगर में और दिक्कतें आएंगी। अब कौन सी दिक्कत आने वाली है, तो जो इंटरनल पार्ट है वो नहीं दिखने वाला है, लेकिन यहाँ पे पेन से हमने पहले ही यूज कर दिया था तो उसे भी हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से लाइन बनने वाली है। ये पोर्शन ये भी दिखने वाला है, अब ये भी पोर्शन दिखने वाला है। बी पॉइंट दिखने वाला है, यहां से हम देखते हैं तो बी पॉइंट दिखेगा, सी भी दिखेगा, डी भी दिखेगा, ई भी दिखेगा, तो ये हमने जो जनरेटर है ये जनरेटर जोड़े। फेसेस ट्रायंगुलर फेसेस तैयार होते हैं पिरामिड में, अब कौन सा एक फेस और नहीं दिखेगा, जो दो फेस नहीं दिखेंगे अब ये पॉइंट के साथ जोड़ेंगे हम, तो ये जो लाइन है ये लाइन यहाँ पर जो रहेंगे ये डॉटेड लाइन रहेंगी, यहाँ पे इतना पोर्शन जो है ये डॉटेड लाइन से आपको ड्रा करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपकी ये लाइन जो है कंटिन्यू है, ये सेंट्रल एक्सिस वाली लाइन। अब कौन सा पार्ट वर्क मुझे जो दिखने वाला नहीं है तो उसे हमें डॉटेड लाइन से बनाना था, पहले से हमने ड्रा कर दिए थे ये, तो मैं इसे मार्कर का यूज करके इसे डॉटेड लाइन मतलब हिडन लाइन वाली लाइन बनाता हूं, ताकि आपको
समझ में आएंगे। तो ये तो लाइन नहीं, ये पार्ट हमें दिखने वाला नहीं है, तो इसे मैंने हिडन लाइन अभी बनाया। आपको पहले से पता है, प्रैक्टिस है आपके, तो आप ये डॉटेड लाइन डायरेक्ट निकाल सकते हैं निकालते समय, लेकिन उसके लिए आपका समझना, ड्राइंग को समझना जरूरी है। तो ये तभी संभव है जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तब आप निकाल पाओगे। अब इंच फिगर को डायमेंशन देना है, तो डायमेंशन किस प्रकार के रहेंगे, तो डायमेंशन ये 40 mm, बाद में जो भी जो सेंट्रल एक्सिस है उस सेंट्रल एक्सिस का यहाँ पर मैं शो करके बताता हूँ हाइट, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो लाइन की था, और यहाँ पे आप हाइट जो है, हाइट सेंट्रल सेंटर से पेंटागन का जो सेंटर रहेगा वहां से आपको निकालना पड़ेगा, और ये हाइट रहेगी 80 mm। इस प्रकार से पेंटागनल पिरामिड बना है। अगेन पेंटागनल पिरामिड बनाते समय दो मेथड से आप बना सकते हैं, आपको जो मेथड इजी लगे उस मेथड से आप बनाना। तो इस प्रकार से ये पेंटागनल पिरामिड बन चुका है। अब इंस्क्राइब द सर्कल मेथड इस प्रकार से आएगा, तो यहां से आप डायरेक्ट काउंट करके बना सकते हैं। इस फिगर में मैं यहाँ पे आपको और शो करके बताता हूँ कि किस प्रकार से ये लाइन आएंगी। तो यहाँ पे जो लाइन रहेंगी ये डॉटेड लाइन रहेंगी, ये लाइन आपकी रहेंगी डॉटेड लाइन, और यहाँ तक ये सेंटर लाइन रहेगी। और जो पार्ट है ये पार्ट इधर ऐसे जुड़ेंगे, यहां पर भी ये पार्ट जुड़ेगा इस एपेक्स पॉइंट से, ये सी पॉइंट जुड़ेगा, ये भी पॉइंट जुड़ेगा, और जो हिडन पोर्शन जो आने वाला है उसे मैं अभी मार्कर से यहां पे मिटाता हूं। ये जो लाइन रहेंगी हिडन लाइन बनाता हूं इसे, तो आप प्रैक्टिस इतना कीजिए कि आपको समझ में आए कि कौन सा पार्ट दिखने वाला है कौन सा पार्ट नहीं दिखने वाला है। कंस्ट्रक्शन जो लाइन है उसे मिटाना नहीं है, और आप यहाँ पे ये एपेक्स पॉइंट मतलब ये जो पी है ये बता सकते हैं। अब यहाँ पे मार्किंग किया मैंने, डायमेंशन दिया, अब यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं है। ये दो प्रकार का बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पेंटागनल पिरामिड बनाया जाता है, हाइट कोई भी रह सकती है, साइड कोई भी रह सकती है, बनाने का तरीका आपका होना चाहिए। इस दो प्रकार से आप जो बहुत ही जल्दी स्पीड से बना सकते हैं। तो आपको ये वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। आपने अभी तक राज एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो पहले मिलते रहेंगे। धन्यवाद।